उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराध को लेकर बेहद सख्त माने जाते हैं। सत्ता में आने के बाद वह कई बार चेतावनी भी दे चुके हैं। उनकी बातों का अपराधियों में खौफ भी है, ऐसा एनसीआरबी के आंकड़ों में साबित भी होता है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में साल 2022 में एक भी दंगा नहीं हुआ है, वहीं पिछले 5 साल में इसमें 50% की गिरावट भी आई है। आपको बता दें कि एनसीआरबी ने 2022 के लिए जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक पिछले 5 साल में असम में भी दंगों में गिरावट आई है, जहां पर 80% की गिरावट आई है। वहीं छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा बढ़ चुका है, यहां पर 44% का उछाल आया है। देश भर में सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में 2018 और 2022 के बीच 34% की गिरावट आई है। वहीं सांप्रदायिक दंगे 2021 में 378 से घटकर 2022 में केवल 272 ही रह गए। मध्य प्रदेश में 2022 में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों की 68 घटनाएं हुई, बिहार में 60 और झारखंड में 46। वहीं एनसीआरबी के भारत में अपराध 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक या धार्मिक दंगों की एक भी घटना नहीं है। पिछले साल देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक दंगे केरल में हुए, जहां ऐसी 301 घटनाएं हुई। उड़ीसा में 2024 और महाराष्ट्र में 86 दंगे हुए। 2018 और 2022 के बीच एनसीआरबी अपराध डेटा की राज्यवार तुलना से पता चलता है कि जहां देश में हत्या के मामलों में गिरावट देखी गई, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दर्ज हत्याओं में क्रमशः 21.6% और 10.5% की बढ़ोतरी देखी गई। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में हत्या के मामलों में 10% से अधिक की गिरावट देखी गई। वहीं पिछले 5 वर्षों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक वृद्धि राजस्थान और तमिलनाडु में हुई।